सो है गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं फैशन मेकर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले ये जो स्लीव्स है, ये काउल वाले स्लीव्स है और इसका आज हम कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो देखने वाले। सो गाइज, इससे रिलेटेड आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन आप यकीन मानो वो वीडियो को देख के आप ये स्लीव्स तो नहीं बना सकते हो। सो यहाँ पे मैंने बना के रखा है और मैं आपको वही एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो पीस है इसके ऊपर हमने ये स्लीव्स बना के रखा है और ये जो पीस है ये आप देख सकते हो, ये एक सभ्यसाची स्टाइल का ब्लाउज है जिसमें जरी और मिरर का वर्क किया हुआ है और ये एक ब्राइडल है, कंप्लीट ब्राइडल है। और इसका अगर आप ओवरऑल कॉस्ट जानना चाहते हो तो ये 40,000 का है। सो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इसके ऊपर काम करना मतलब कितना एक्सपीरियंस करना पड़ता है, तब जाके आप इस तरीके से काम बना सकते हो। क्योंकि इस पर अगर आप जरा सा भी मिस्टेक करते हो तो आपका पीस जो है रिजेक्ट हो जाता है और आपको दोबारा इस तरीके का काम नहीं मिलता है। सो यहाँ पे हमको फैब्रिक और वो सारे चीज हमको डिसाइड करना पड़ता है कि किस पे ये डिजाइन सूट होने वाला है। सो गाइज, अगर आप गलती से इस चैनल पर पहली बार आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और मैं ऐसे ही और भी बहुत सारा फैशन डिजाइन से रिलेटेड ट्यूटोरियल वीडियो इस चैनल पे लेके आते रहता हूँ। सो गाइज, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। वैसे मैं बीच बीच में भी मिलने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करना है जो वीडियो के साथ हुआ है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये स्लीव्स की डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक नॉर्मल स्लीव्स की ज़रूरत पड़ेगी और अभी मैं यहाँ पर एक नॉर्मल स्लीव्स का कटिंग कर लेता हूँ। सो गाइज, यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल स्लीव्स का कटिंग कर लिया है जिसके ऊपर अभी हम ये काउल वाले स्लीव्स का ड्राफ्टिंग करने वाले हैं। और अगर आपको ये नॉर्मल स्लीव्स कटिंग करना नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, मैंने स्लीव्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है। 2-3 स्लीव्स की कटिंग हमने उस पर बताया है बहुत ही डिटेल्स तरीके से कि किस तरीके से आप नॉर्मल स्लीव्स कटिंग कर सकते हो। सो अभी हम इस पर काउल वाले स्लीव्स का ड्राफ्टिंग करेंगे। सो गाइज, ये जो हमने स्लीव्स कटिंग किया है इसका आप लेंथ देख सकते हो, यहाँ पे हमने इसका लेंथ रखा है 13 इंच पे। और इसका जो लेंथ है वो आप फुल लेंथ भी रख सकते हो और आप एल्बो लेंथ भी रख सकते हो। सो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग ये स्लीव्स का लेंथ जो है कम ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये हमारा अरमोल का शेप है और यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ किया है जो कि हमने स्लीव्स कटिंग करते टाइम किया था। और अभी हम यहाँ पे काउल इफेक्ट डालेंगे और सबसे पहले हमको डिसाइड करना है कि हमारा जो स्लीव्स है वहाँ पे हमको कितना काउल डालना है। सो यहाँ पे मैं 4 या फिर 5 काउल ही लेता हूँ जो कि हमको स्लीव्स में चाहिए। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो लेंथ है इसके अंदर ही आपको ये स्लीव्स का जो काउल है वो आपको रखना पड़ेगा। इसके नीचे भी आप रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे 1-1 इंच पे मार्क कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं 1 इंच पे एक मार्क करूँगा, 2 इंच पे 1, 3 इंच पे 1, 4 इंच पे 1 और 5 इंच पे 1। सो यहाँ पे हमने 1-1 इंच पे मार्क किया है जहाँ पे हमारा काउल बनने वाला है। और ये जो हमने 1 इंच पे मार्क किया है ये लाइन को हम इस तरीके से सीधा ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने 4 लाइन ड्रॉ किया है, आप चाहो तो यहाँ पे एक और भी कर सकते हो। सो यहाँ पे हमने 5 लाइन ड्रॉ किया है तो यहाँ पे हमारा जो काउल बनेगा वो हमारा 5 काउल बनने वाला है। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है इसको हम कट कर देंगे इस तरीके से। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको हमने इस तरीके से कट कर दिया है। और अभी हमको एक पेपर की ज़रूरत पड़ेगी जिसपे हम इसको ड्राफ्टिंग करेंगे और इसको मैनिपुलेट करके जो है काउल इफेक्ट डालेंगे। सो इसको हम पहले हटा लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे मैं एक न्यूज़पेपर ले लेता हूँ और ये न्यूज़पेपर आप देख सकते हो इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करके रखा था। और इसका जो सेंटर वाला पार्ट है यहाँ पे हम एक मार्क कर लेते हैं इस तरीके से, ओके। और अभी हम ये पेपर को इसके ऊपर सेट करेंगे अपने काउल के हिसाब से। सो ये देखिए, ये हमारा इस तरीके से आने वाला है। तो सबसे पहले हम ये ऊपर वाले पार्ट को लेते हैं और यहाँ पे इसको फिक्स करते हैं। सो ये देखिए, इसको हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है और ये हमारा सेंटर का लाइन है। और इसका जो सेंटर का लाइन है इसको हमने सेंटर की लाइन से मिला के इसको हमने फिक्स किया है। और अभी हम यहाँ से नापेंगे, इसका जो डिस्टेंस हम रखेंगे वो हम रखेंगे 3 इंच। सो ये देखिए, ये हमने 3 इंच पे एक मार्क किया है। उसके बाद ये जो हमारा सेकेंड वाला पार्ट है उसको हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और इसको इस तरीके से फिक्स करेंगे। सो ये देखिए, ये हमारा नंबर 1 वाला है, ये हमारा नंबर 2 है और ये हमारा नंबर 3 है। और यहाँ से भी हम 3 इंच का डिस्टेंस रखेंगे और इसको हम इस तरीके से फिक्स करेंगे। सो ये देखिए, इसको हमने यहाँ पे फिक्स किया है। उसके बाद ये सेम डिस्टेंस से हम इसको रखेंगे।
सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक सेंटर का लाइन ड्रॉ किया था, उसके बाद हमने ये जो सारे पार्ट को कट किया था उसको हमने 3 इंच के डिस्टेंस पे इस तरीके से यहाँ पे फिक्स किया है। और अभी हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। सो देखिए इसको हमने इस तरीके से फोल्ड किया है, और अभी हम क्या करेंगे, इसको एक शेप में लेके आएंगे इस तरीके से। सो ये देखिए इस तरीके से हमने एक शेप ले लिया है, और अभी हम इसके थोड़ी दूर से हम इसको कटिंग करेंगे। सो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको कटिंग कर लिया है, और अभी हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। सो ये देखिए इस तरीके से हमको फोल्ड कर लेना है इसको, और उसके बाद ये जो लाइन है इसको हम इस तरीके से कट कर देंगे। सो ये देखिए पहले जो हमारा ड्राफ्टिंग था स्लीव्स का, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको कटिंग कर लिया है। और अगर हम इसको अभी खोलते हैं तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा, और अभी हम इसको वापस से फोल्ड कर देंगे तो हम इस तरीके से ये हो जाएगा। सो ये देखिए इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। सो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से जो है काउल वाले स्लीव्स का ड्राफ्टिंग हमने कर लिया है, और अभी आप ये ड्राफ्टिंग के मदद से फैब्रिक पे कटिंग करके काउल वाले स्लीव्स बना सकते हो। सो अभी मैं आपको फैब्रिक पे कटिंग करके काउल वाले स्लीव्स बना के बताऊँगा। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर देना। सो बने रहिए वीडियो पे। सो चलिए फैब्रिक पे कटिंग करते हैं। और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका फैब्रिक। यहाँ पे ये काउल वाले स्लीव्स बनाने के लिए आपको एकदम सॉफ्ट मटेरियल लेना पड़ेगा, जिसका जो फ्लोई है वो बहुत इजी तरीके से आना चाहिए। आप कोई भी फैब्रिक पे ये स्लीव्स नहीं बना सकते, आप यहाँ पे ऑर्गेंजा, जॉर्जेट, सीफोन और कोई भी जो सॉफ्ट मटेरियल है उस पर आप ये स्लीव्स बना सकते हो, जिसपे ये काउल इफेक्ट अच्छे तरीके से आता है। सो यहाँ पर हमने बहुत ढूंढने के बाद एक फैब्रिक मिला है, यहाँ पर मैं आपको ये ट्राई करके बता रहा हूँ। एक्चुअल में ये फैब्रिक इसका नहीं है, मैं आपको फ़ोटो शो करूँगा जिसपे मैं हम ओरिजिनल फैब्रिक पे बनाया था। जो ओरिजिनल डिज़ाइन हमने बनाया था वो हमने बनाया है ऑर्गेंजा पे। सो यहाँ पे ये मेरे पास एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है जिसपे मैं अभी आपको कटिंग करके बता रहा हूँ। सो ये इसका फैब्रिक नहीं है, इस पर जो लुक है वो इस तरीके से नहीं भी आ सकता है। सो हम ट्राई करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरे पास एक टुकड़ा है, इस पर हम कैसे भी बना लेते हैं, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये बनता है। सो सबसे पहले हमने यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड कर लिया है, ये देखिए ये फैब्रिक बहुत ही कम है। सो यहाँ पे हमने ये फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है, और ये जो पेपर है इसको भी हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है, और अभी हम ये दोनों फोल्डिंग वाले पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से, और अभी हम इसको कटिंग करेंगे। और ये कटिंग हम करेंगे, ये जो आप ट्राइंगल देख रहे हो इसको हम इस तरीके से सीधा करके इस तरीके से लेके जाएंगे, और अभी हम इसको कटिंग कर लेते हैं। सो ये देखिए इसको हमने कटिंग कर लिया है, और अभी हम यहाँ पे मार्क करेंगे ये जो पॉइंट है, जो पेपर है इसका जो बीच का पोर्शन है यहाँ पे हम मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमको प्लीट लेना है। सो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट पे हम मार्क कर देंगे। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पॉइंट है इस पर हमने कट लगा लिया है, ताकि इसको जब हम प्लीट लगाएंगे तो हमको ईजी रहेगा। सो अभी हम ये पेपर को इस तरीके से हटा देते हैं। सो यहाँ पर हमारा जो फैब्रिक है वो हमने इस तरीके से रखा है, और अभी हमने ये जो कट लगाया था इस पर हम प्लीट लगाने वाले। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो फैब्रिक है वो इस डिज़ाइन के लिए नहीं है, फिर भी हम ट्राई कर रहे थे, बट अभी ये फैब्रिक जो है बहुत ही ज़्यादा एडिटेड कर रहा है और मुझे ये इस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, तो ये फैब्रिक को हमको फेंकना पड़ रहा है और हम दूसरे फैब्रिक पे ट्राई करने वाले। सो यहाँ पर हमने ये फैब्रिक लिया है, तो आप टेंशन मत लो, आपका टाइम नहीं ख़राब करने वाला हूँ। सो ये सेम प्रोसेस से हमने ये फैब्रिक को भी कटिंग कर लिया है। सो इस फैब्रिक पे मैं अभी आपको करके बताता हूँ। सो आई होप आपको पसंद आएगा, तो बने रहिए वीडियो पे। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फैब्रिक है इसको हमने एज इट इज़ कटिंग कर लिया है, जो कि हमने येलो वाले पीस पे कटिंग किया था। सो अभी हम इसको ट्राई करते हैं और इस पे बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से इसको खोल लेना है, ये देखिए इस तरीके से, और अभी जो है यहाँ पर हमारा मेन काम शुरू होता है। सो गाइज यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि प्लीट किस तरीके से लेना है हमको। सो ये देखिए ये हमारा पेपर है, और ये देखिए ये हमारा मेन पार्ट है, ये हमारा अंदर का पार्ट है। तो ये जो मेन पार्ट है यहाँ पे हमने इस तरीके से चौक से मार्क किया था, और ये जो पार्ट है इसको हमने यहाँ पे मार्क किया था। तो ये देखिए ये छोटा वाला जो पार्ट है ये है, और ये बड़ा वाला जो पार्ट है वो बीच का जो न्यूज़पेपर पे हमने अटैच किया था वो है। सो यहाँ पर ये आप देख सकते हो ये जो छोटा वाला पार्ट है ये हमारा, ये जो मेन पैटर्न है इसका हिस्सा है। तो ये देखिए इस तरीके से दोनों तरफ आपको
कंफ्यूज ना हो यहाँ पे आपको मार्क कर लेना है, ये देखिए इस तरीके से। सो ये हमारा मेन जो शो करने वाला वो पार्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट को उठाएंगे और यहाँ पे आके मिलाएंगे यहाँ पे, ओके। उसके बाद हम ये पार्ट को उठाएंगे और यहाँ पे मिलाएंगे, ये देखिए, और फिर हम इसको इस तरीके से लेकर आएंगे, ये देखिए ये हुआ। फिर हम इसको लेकर आएंगे इधर, और फिर हम इसको लेकर आएंगे इधर। तो इस तरीके से आपको कुछ ऐसे राफ्ट ड्राफ्टिंग करना है पहले, ये देखिए इस तरीके से, ओके। और अभी हम इसको इस तरीके से लेके जाएंगे, इस तरीके से, ये देखिए, और ये देखिए ये। और अभी हम इसको इस तरीके से लेके आएंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत ही इजीली कैसे बन रहा है, ये देखिए। सो ये देखिए इसको हमको इस तरीके से एडजस्ट करना है। सो ये देखिए इस तरीके से आपको एडजस्ट करना है। उसके बाद ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न का जो आर्महोल है उसको आपको चेक करना है। सो ये देखिए इसका जो आर्महोल है वो आपको यहाँ पे इस तरीके से मिलना चाहिए, ये देखिए इस तरीके से मिलना चाहिए। सो ये देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से पूरा मिल रहा है, ये देखिए। और ये जो एक्स्ट्रा हो रहा है इसको आपको बाद में इसके साथ रख के कटिंग करके निकाल देना है, ठीक है। तो इसको मैं हटा लेता हूँ इस तरीके से। और ये आप देख सकते हो ये हमारे पास बटर क्रेप है, तो ये हम बटर क्रेप पे बना रहे हैं, लेकिन ये जो फैब्रिक है ये ऑर्गेंजा मटेरियल पे बनता है जिस पे काउल वाले डिज़ाइन बनता है, तो वो आपको नोट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे हमने बटर क्रेप पे ट्राई किया है। सो ये देखिए। सो गाइज आई होप आपको ये दिख रहा है कि किस तरीके से इसका जो लुक है वो आ रहा है। और अभी हम इसको कच्चा कर लेते हैं हेमिंग से, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका फाइनल लुक क्या है। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो इसको हमने अलग थ्रेड से जो है यहाँ पे अटैच कर दिया है, और इसका जो लुक है ओवरऑल वो आप देख सकते हो किस तरीके से है टेबल पर। और इसको जब आप बना के स्लीव्स पे अटैच करोगे और ये जब बॉडी पे दिखेगा तो ऑसम दिखने वाला है। सो गाइज आई होप आपको ये डिज़ाइन जो है समझ में आया है। सो गाइज अमेजिंग, इसको हमने बटर क्रेप पे बना लिया है। सो ट्राई किया और बन गया है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने जो है इस डिज़ाइन को बनाया है। सो अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना, और अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करना मत भूलना। और गाइज मुझे आप लोगों को एक बात कहना है, आप लोग 83% लोग मेरा वीडियोस को देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो। सो भाई ऐसा कैसे चलेगा, अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग मेरे वीडियोस को देखा करो यार, ये चैनल का रीच बढ़ता है। सो गाइज अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो ये चैनल ग्रो कैसे होगा, और मैं आप लोगों के लिए कैसे कॉन्टेंट बनाऊंगा। सो गाइज अगर आप पहली बार आ रहे हो चैनल पर तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत सारा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहूँगा, और मेरा इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ बना के रखा है। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ मेरा वो प्रीवियस वीडियो चेकआउट करना, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो गाइज प्लीज़ चेक कर लेना। और गाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, यूज़र आईडी आपको यहाँ पे दिख रहा है, या फिर मेरा वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ है। और इंस्टाग्राम पे मैं जो भी पीसेस बनाता हूँ उसका कुछ ना कुछ स्टोरी में शेयर करते रहता हूँ। सो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।